हाय, दिस इज रुचिशा। वेलकम टू द किचन निंजा। आज की जो डिश है वो है वेजिटेबल ब्रेड रिंग। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। वेजिटेबल ब्रेड रिंग बनाने के लिए आपको जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो है टमाटोज, कैप्सिकम, ग्रेटेड चीज, ग्रेटेड पनीर, ब्रेड, ग्रीन चिलीज, ब्लैक पेपर, रेड चिली फ्लेक्स, ड्राई ऑरिगेनो, मस्टर्ड सॉस, फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, बटर एंड सॉल्ट। सबसे पहले हम ब्रेड रिंग के अंदर का फिलिंग बनाएंगे। टमाटोज लिए मैंने यहाँ पे, कैप्सिकम, ग्रेटेड किया हुआ पनीर, मैंने यहाँ पे करीबन 150 ग्राम पनीर लिया है, ग्रीन चिलीज अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए, हाफ स्पून ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, ग्रीन चिलीज ऐड किया है सो चिली फ्लेक्स अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिए, और ड्राई ऑरिगैनो, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, और चीज में चीज डालेंगे हम जिसमें ऑलरेडी सॉल्ट होगा, चीज। फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर दें। ब्रेड रिंग का फिलिंग हमारा रेडी है। एक ब्रेड स्लाइस लिया है। अब हम इसे कोई भी बोल या कुकी कटर हो आपके पास उससे इसे कट कर, इस तरह से इसे कट कर दें। अब इससे छोटी साइज का एक कंटेनर लेंगे जिससे हम बीच में और एक सर्कल कर दें। इस तरीके से हमें दो ब्रेड लगेंगे एक रिंग बनाने के लिए। इस तरह से आपको रखना है। बाकी के ब्रेड्स भी मैं इसी तरह से कट कर दूंगी। सारे ब्रेड्स को मैंने इस तरह से कट कर दिए हैं। अब एक स्लाइस पे हम मस्टर्ड सॉस लगाएंगे। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड सॉस लिया है। आप कोई भी सॉस अपनी चॉइस के लगा सकते हो। अब इस पे हम रिंग ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर जो फिलिंग हमने रेडी किया था वो ऐड करेंगे। इस तरीके से मैंने तीनों भी ब्रेड फिल कर दिया है। अब हम इसे ग्रिल करेंगे। आप चाहो तो इसे 180 डिग्री पर ओवन में बेक भी कर सकते हो। 7 से 8 मिनट के लिए 180 डिग्री पर बेक कर सकते हो। अब एक पैन में हम बटर लगाएंगे। अब हम रिंग को इसमें भर देंगे और मीडियम फ्लेम पे 8 मिनट तक होने देंगे। 7 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हो नीचे से कितना क्रिस्पी हो गया है। अब हम इसे ले लें। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में ले लें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।